साल की ग्लोबल हंगर इंडेक्स की लिस्ट जारी हो चुकी है। लिस्ट के मुताबिक भुखमरी के शिकार देशों में भारत का स्थान 94 नंबर पर है। हालांकि पिछले साल की तुलना में इसके स्तर में कुछ सुधार तो हुआ है, बावजूद इसके आर्थिक तौर पर कमजोर माने जाने वाले पड़ोसी देशों मसलन म्यांमार, पाकिस्तान और बांग्लादेश से अभी भारत पीछे है। रिपोर्ट की माने तो भारत की 14% आबादी कुपोषण की शिकार है। ऐसे में आइए जानते हैं दुनिया के उन 5 देशों के बारे में जो हंगर इंडेक्स की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। नंबर 1, चड। लीबिया और सूडान से घिरा चड देश भुखमरी का शिकार है। यहाँ की अधिकांश आबादी को खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है। इस देश में कुपोषण इतना ज्यादा है कि 1 से 5 साल के बच्चों में मृत्यु दर काफी अधिक है। हर 10 में से एक बच्चा अपने 5वें जन्मदिन से पहले नहीं बचता है। चड लगातार 3 सालों से हंगर इंडेक्स में सबसे प्रभावित देशों की सूची में शामिल है। नंबर 2, मेडागास्कर। मेडागास्कर में भुखमरी इतनी ज्यादा है कि इसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अलार्मिंग सूची पर रखा गया है। कुपोषण के चलते यहाँ लगभग 41.6% बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है। मेडागास्कर में बार बार साइक्लोन जैसी आपदाएं भी आती रहती हैं, इसीलिए यहाँ खेती को पर्याप्त बढ़ावा नहीं मिल सका है। नंबर 3, हैती। भुखमरी के शिकार देशों के लिस्ट में हैती को सबसे ऊपर रखा गया है। यहाँ कई दूसरी परेशानियों के बीच बार बार प्राकृतिक आपदाओं का आना भी एक बड़ी वजह है। इस वजह से हैती की 55% से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे आ रही है। वहीं 3/4 आबादी के पास हर दिन गुजारे के लिए 140 रुपए से भी कम आमदनी होती है। नंबर 4, मोजाम्बिक। दक्षिण अफ्रीकी देश मोजाम्बिक भुखमरी से त्रस्त देशों की लिस्ट में 4 नंबर पर है। साल 2015 में देश की हालत कुछ सुधरी थी, मगर इसके बाद से वो लगातार नीचे आ रहा है। फिलहाल इस देश की 32.6% आबादी भुखमरी की शिकार है। और नंबर 5, तिमोर लेस्ते। दक्षिण पूर्वी एशिया का देश तिमोर लेस्ते की बड़ी आबादी खाने की कमी से बुरी तरह प्रभावित है। सूखे की समस्या से जूझ रहे इस देश में खेती किसानी नहीं के बराबर होती है। लोगों में खाने की क्वालिटी और सेहत को लेकर जागरूकता नहीं है। वहीं पानी की गंदगी से होने वाली बीमारियों और खाने की कमी के चलते यहाँ 15% से ज्यादा बच्चों की 5 साल से पहले मौत हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट।